तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड दैट इज आरबीएनएल कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे आरबीएनएल का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मोटन लेवल्स है जो हमें आरबीएनएल कंपनी के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर आरबीएनएल की बात करें तो फाइनली ये स्टॉक यहाँ पर जो है वो क्या कर चुका है, अपने अच्छे खासे मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके ये काउंटर नीचे निकल चुका है। तो अब नेक्स्ट वीक में भी शायद से आरबीएनएल के अंदर हमें एज इट इज़ जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट वीक है, इसीलिए काउंटर ने कौन सा 520 से लेकर 500 की जो इसकी रेंज का एक अच्छा खासा सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है एंड काउंटर नीचे भी निकल चुका है। अब सेलिंग वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं है, बट अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो ही शायद से काउंटर गिरेगा। अब गिरावट अगर मान लो होती है तो कहाँ तक की होगी, 430 से लेकर 440 की रेंज में इसका मेजर सपोर्ट है, तो शायद से वहाँ तक का फॉल आप एक्सपेक्ट करके आरबीएनएल के अंदर चल सकते हो। तो अगर आपको इस स्टॉक को खरीदना है तो आप ये लेवल्स डेफिनेटली ध्यान में रखें।